बनाने के लिए सबसे पहले चटपटा आलू बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में तेल को 1 टेबलस्पून ऐड करके गरम कर लिया है। अच्छे से आप गरम कर लें और फिर उसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरे मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा आपको तीखा पसंद हो उस तरीके से आप कम या ज़्यादा ऐड कर लें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्ची बिना डाले भी बना सकते हैं। तो हल्का सा मिर्ची को पका लेंगे कुछ सेकेंड के लिए ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आप चाहें तो मिर्ची का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मिर्ची अच्छे से पका लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको पसंद हो उस तरीके से आप ऐड कर लें। पर मैं यहाँ पर पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, और इसे भी हम पका लेंगे कुछ सेकेंड के लिए ताकि जो अदरक और लहसुन है उसका जो कच्चा फ्लेवर है वो भी पूरी तरीके से पक जाए। तो इसे भी पका लेंगे अच्छे से। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरे मटर। यहाँ पे मैंने बॉईल किए हुए हरे मटर ऐड कर दिया है, साथ ही ऐड कर दिया है थोड़ी सी हींग। हींग ज़रूर ऐड करें, इससे अच्छा फ्लेवर भी आता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो हम मटर को भी कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। अगर आप कच्चे मटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सा ज़्यादा पका लें। अगर बॉयल्ड मटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ ही मिनटों में ये पक करके रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 मिनट के लिए मटर को भी पका लिया है। मटर पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, तो आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिया है, जैसा मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने कौन कौन सा मसाला लिया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, गरम मसाला, भुना जीरा और हल्दी। तो यहाँ पे मैंने यही मसाले ऐड किए हैं चटपटा मसाला बनाने के लिए आलू के लिए। फिर इसे अच्छे से हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो मसाला है वो मटर के साथ अच्छे से भून करके रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने आँच को बहुत ही कम रखा है ताकि जो सूखे मसाले हैं वो बिल्कुल भी जले नहीं। यहाँ पे मैंने मटर को भी मैश कर ले रही हूँ, जिससे क्या थोड़े से मटर मैश हो जाएंगे तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो हल्का सा मैंने स्पैचुला की हेल्प से मटर को स्मैश कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर लें और नमक ऐड कर लेने के बाद इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसमें काला नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो उस तरीके से ऐड कर लें। नमक अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल्ड पोटैटो। तो यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से बॉयल करके उसे ठंडा होने के लिए रख दिया था और छील करके उसे अच्छे से मैश कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने आलू के मैश किए हुए ऐड कर दिए हैं मटर के साथ। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से आलूओं को इन मसालों के साथ कोट कर लेंगे। बारिश का समय है और चटपटे से पकोड़े खाने के लिए मिल जाए और कुछ इसी तरीके से हम बना लें तो बहुत ही बढ़िया लगता है। बाहर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये ब्रेड पकोड़े की रेसिपी शेयर करूँ इजी तरीके से, जैसे मैं बनाती हूँ। बहुत ही ईजी तरीका है इसे बनाने का। इससे क्या है कि जो आपके ब्रेड पकौड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही झटपट से ये बन करके रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ आलू का जो मिक्सचर है वो अच्छे से रेडी हो गया, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। आलू को चटपटा बनाने के लिए ऐड कर दिया थोड़ा सा चाट मसाला और बारीक कटा हुआ हरी धनिया। तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया खूब सारा हरा धनिया इस आलू में। आप देख सकते हैं कलर भी बहुत ही बढ़िया आ गया है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये चटपटे आलू हमारी ब्रेड पकौड़े के लिए रेडी है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी मैंने इसे बनाया है और जितने चटपटे बनेंगे उतना ही आपका जो ब्रेड पकौड़ा है बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ चटपटे आलू बन करके रेडी है, तो इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर बेसन का घोल बनाने के लिए लिया है मैंने बोल में 1/2 कप बेसन, और इसे क्रंची बनाने के लिए ऐड कर दिया है चावल का आटा 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास हो तो इसे ज़रूर ऐड करें, इससे जो पकोड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। फिर इसमें कुछ मसाले ऐड किया है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अजवाइन ले लिया है। इसे हाथों से मसल कर इसमें ज़रूर ऐड करें, इससे फ्लेवर भी बढ़िया आएगा और डाइजेशन भी बहुत ही बढ़िया होगा। धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, साथ ही ऐड कर देंगे नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर दें और बस ये थोड़े से मसाले ऐड कर लेने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक पेस्ट बना करके रेडी कर लेंगे। और ध्यान रखें जब आप इसका घोल बनाएं तो उसमें थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करके इसका पेस्ट बनाएं। अगर आप एक साथ पानी ऐड कर देंगे तो आपको कंसिस्टेंसी पता नहीं चलेगी और उस तरीके से जो आपका ब्रेड पकौड़ा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करें और फिर इसका बैटर की कंसिस्टेंसी चेक करें। आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। तो कुछ इस तरीके से आपको ब्रेड पकौड़े के लिए बेसन का घोल तैयार करना है। तो यहाँ पे बेसन का घोल तैयार होकर के रेडी हो गया, तो इसे रखते हैं साइड और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में।
पर आलू भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं और यहाँ पर ले लिया ब्रेड पकौड़े के लिए ब्रेड के स्लाइसेस। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे हमें आलू को फिल करना है। तो आलू यहाँ पर मैंने ले लिया है चम्मच से और इसी के हेल्प से हम ब्रेड पर अच्छे से स्प्रेड करेंगे ताकि अच्छा सा एक लेयर लग जाए। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर स्पून की हेल्प से इसे लगा रही हूँ और अच्छे से एक लेयर लगा लेने के बाद ही हम इस पर दूसरा स्लाइस रखेंगे। बहुत ही ईजी है ये ब्रेड पकौड़ा बनाना, आप झटपट से घर में बना सकते हैं। एकदम मार्केट में जैसा हमें ब्रेड पकौड़ा मिलता है उसी तरीके से ये घर में बन करके तैयार होते हैं। तो बस अच्छे से यह आलू स्प्रेड हो गया है तो इसमें दूसरा स्लाइस रख देने के बाद हल्का सा हाथों से इसे दबा लेंगे। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से यह फिल हो गया है। तो आप चाहे तो इसे एज इट इज़ भी फ्राई कर सकते हैं बेसन का घोल लगा के, या फिर मेरी तरीके से आप इसे कट करके भी इसे बेसन के घोल में लपेट करके फ्राई कर सकते हैं। इससे क्या है, ये छोटे छोटे ब्रेड पकौड़े के पीसेस तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही बाइट साइज लगता है। तो तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद यहाँ पर मैं बेसन के घोल में ब्रेड के स्लाइसेस को कोट कर रही हूँ और इसे फ्राई कर रही हूँ। ध्यान रखें जब भी आप ब्रेड पकौड़ा को जब फ्राई करते हैं तो जो तेल है वो ज़्यादा गर्म ना हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। इससे क्या है, जो ब्रेड पकौड़ा है वो तेल को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस बात का ध्यान रखें और तेज़ आंच आप जब रखेंगे तो ब्रेड पकौड़ा जलने के चांसेस रहते हैं। तो आप ध्यान रखें कि जो तेल है वो अच्छे से मीडियम में गर्म रहे। तो यहाँ पे ब्रेड पकौड़े को अच्छे से हम इसमें छोड़ देंगे और आप देख सकते हैं जो ब्रेड पकौड़े हैं वो छोटे छोटे मिनी साइज़ में देखने में भी सुंदर लग रहे हैं और साथ ही ये बनाना भी बहुत ही ईजी लगता है। तो बस इस तरीके से आप पलट पलट के दोनों तरफ से ब्राउन हो जाने तक तल लें और अच्छा सा कलर हो जाने के बाद ही आप इसे निकालें। तो ये जल्दी से ये फ्राई हो जाते हैं ब्रेड पकौड़े। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसे तेज़ आंच में नहीं फ्राई करना है और ना ही धीमी आंच में फ्राई करना है। आप हमेशा गैस का फ्लेम मीडियम रखें ताकि जो ब्रेड पकौड़ा है वो क्रंची क्रंची क्रिस्पी क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाए। तो कुछ इस तरीके से कलर आना शुरू हो गया है। एक बढ़िया सा कलर आ जाने के बाद ही इसे निकालें। तो एक बढ़िया सा कलर आप देख सकते हैं ब्रेड पकौड़े पे आ गया है, दोनों तरफ से ये ब्राउन हो करके रेडी हो गया है। तो ये बस इस तरीके से जब कलर आ जाए तो आप इसे एक प्लेट पे निकाल लें। तो ये बन के रेडी है तो इसे मैं फटाफट प्लेट पे निकाल ले रही हूँ और इसे गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेंगे चटनी के साथ। मैं आपको यहाँ पे कट करके भी दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन करके रेडी हो गया है। तो इसके मैंने दो दो टुकड़े कर लिए हैं, आप देख सकते हैं पास से कितना बढ़िया दिख रहा है। तो इसे मैंने सर्व किया है हरी धनिए और हरी पुदीने की चटनी के साथ। आप चाहते इसे मीठी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी जिसे मैंने आपके साथ शेयर करी, ईजी तरीके से आप ब्रेड पकौड़ा घर पर कैसे बना सकते हैं इस मानसून में। तो ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो आज ही आप इसे ज़रूर बनाएं। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखें।